फ्रेकल्स की शिकायत आम तौर पे हमारे परिवार और समाज की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कष्ट का कारण होती है। आपके चेहरे पे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं और आप परेशान रहते हैं, और इसका कारण भी अल्ट्रा वायलेट रेज का एक्सपोजर होता है स्किन पे, जिसको आप रोक नहीं सकते। तो आपकी चिंता को कुछ कम करने के लिए हम लाए आपके सामने यह वीडियो, जिसमें हम आपको फ्रेकल्स को दूर करने की कारगर होम्योपैथिक दवाएं आपके सामने रखेंगे। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का वीडियो डेडिकेटेड है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं फ्रेकल से बहुत परेशान रहती हैं। आपके चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स डॉट के फॉर्म में जगह जगह आ जाते हैं और आप उन फ्रेकल से बहुत परेशान रहती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे आपकी इसी समस्या को कम करने की, ख़त्म करने की, होम्योपैथी के माध्यम से बताएंगे आपको कुछ कारगर दवाएं जो आपके फ्रेकल्स को मैनेज करेंगी और आप में कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं फ्रेकल्स वास्तव में होते क्या हैं। फ्रेकल्स साथियों स्किन का एक पॉइंट पे डॉट्स के फॉर्म में हाइपर पिगमेंटेशन होता है, कि जहां पे आपके मिलेनिन ज्यादा बनने लगती है, तो एक डॉट डॉट आपके आ जाते हैं, यही फ्रेकल्स होते हैं। बेसिकली ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से होते हैं, यूवी रेडिएशन जब आपके स्किन पे पड़ते हैं तो इस प्रकार के फ्रेकल्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, एक बात से आप निश्चिंत रहिए, फ्रेकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। सिर्फ ये कॉस्मेटिक आपको ट्रबल दे दें वो अलग बात है, लेकिन वह हार्मफुल नहीं होते। जबकि यहाँ पर आपके जहन में जब आप फ्रेकल्स पे बात करते हैं तो मोल्स भी आता होगा। मोल्स और फ्रेकल्स में फ़र्क ये है, मोल्स जो होते हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई उस पोर्शन की ज़्यादा हो जाती है और वो यूवी रेडिएशन से होते हैं, जबकि फ्रेकल्स में ब्लड सप्लाई उस एरिया की ज़्यादा नहीं हो जाती है, नहीं होती है, और पिगमेंटेशन होता है। तो यही दोनों में अंतर है, फ्रेकल्स हार्मफुल नहीं होते हैं, मोल्स हार्मफुल हो सकते हैं, स्किन कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। तो आज का विषय फ्रेकल्स है, तो हम लोग फ्रेकल्स पे रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। सिम्टम्स की साथियों बात कर लेते हैं। सिम्टम्स फ्रेकल के सामने एविडेंट होते हैं जब आपके डॉट्स के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा बने और आपके हाइपर पिगमेंटेशन होने लगे, तो यही आपका सबसे बड़ा सिम्टम होता है फ्रेकल का, क्योंकि ये सामने दिखता है। बात कर लेते हैं साथियों कारणों की। फ्रेकल्स के बेसिकली जो कारण होता है वो हमने आपको बताया कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है। लेकिन एक समझने वाली बात है, फ्रेकल्स दो तरह का होता है, एक एफिलाइट्स और दूसरा लेटिजीन्स। एफिलाइट्स जो है यह आपका यूवी रेडिएशन से होता है और ये कम एज में होता है, और जो लेंटीजाइंस होता है सोलर लेंटीजाइंस, वह जो है जब 40 इयर्स के बाद अगर आपके फ्रेकल्स पड़ रहे हैं, तो बुजुर्ग लोगों में आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, वो लेंटीजाइंस होते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है, और जो कारण होता है इसका वो होता है जीन। एक जीन होती है MC1R, यह जीन आपका जो मेलानिन फॉर्मेशन होता है उसका जो ब्रेन से सिग्नल जाता है उसको डिस्टर्ब करती है, और जब यह जीन डिस्टर्ब होती है उसी सूरत में आपको फ्रेकल्स की शिकायत होती है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं आती हैं आपके फ्रेकल्स को ठीक करने के लिए, तो आज हम बताएंगे आपको कुछ ऐसी स्थितियाँ और उनकी कुछ ऐसी दवाएँ जो आपको फ्रेकल्स की चिंता को दूर करने में बहुत मदद करेंगी। लेकिन दवा बताने से पहले साथियों ये बता दें, दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं होम्योपैथी की कुछ कारगर दवाएं आपके फ्रेकल्स को ठीक करने के लिए। लेकिन एक और बात कहना चाहेंगे, फ्रेकल्स का कारण अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ही माना गया है, तो अपने को आप यूवी रेडिएशन से बचाइए, यह बहुत अच्छा तरीका है फ्रेकल्स से बचने का। और हो गए हैं तो आपके सामने पेश हैं ये दवाएं। एक स्थिति आ सकती है किन्हीं महिलाओं साथियों के सामने, कि जब गर्मियां बहुत होती हों, समर्स होती हों, उस समय आपके चेहरे पे फ्रेकल्स आ जाते हों,
तो अगर यह स्थिति हो कि गर्मियों में आपके चेहरे पे फ्रिकल्स बहुत आ जाते हो, समर्स में आ सकते हो आ जाते क्योंकि उस समय सनलाइट बहुत हार्श होती है और ज़्यादातर आते भी उस वक्त ही हैं, तो उसके लिए आप बहुत अच्छी दवाई होम्योपैथी में आती है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस व नीम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके गर्मी में बहुत ज़्यादा फ्रिकल्स आ रहे हों, आपका हेयर फॉल भी हो रहा हो, हेयर फॉल झड़ने से रोकने की भी बहुत अच्छी दवा है फॉस्फोरस। आपको ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद हो और शाम के वक्त आपकी तकलीफ़ें बढ़ती हों और आपके पूरे शरीर में जलन का एहसास होता हो अंदर से, या सारे सिम्टम हो, तो आपकी दवा फॉस्फोरस एक संभावित दवा हो सकती है आपके फ्रिकल्स को ठीक करने के लिए। पहली स्थिति जो फ्रिकल्स के विषय में किसी भी महिला के साथ या पुरुष के साथ, विशेष तौर से महिला के साथ आ सकती है, और इस वीडियो में हम महिला ही कह के उसको डिनोट करेंगे आगे, क्योंकि हमारे समाज और परिवार की महिलाएं फ्रिकल्स से बहुत चिंतित रहती हैं। तो एक स्थिति जो आ सकती है फ्रिकल्स की साथियों, वह है कि आपके ब्राउन कलर के लीवर स्पॉट्स के फॉर्म में आपके फ्रिकल्स पड़ने लगे हों। तो अगर यह स्थिति साथियों हो आपके और आपका लीवर डीरेंज होता हो, आपके राइट साइड रिब्स के नीचे पेन होता हो झुकने पे या ज़्यादा चलने पे, और फैटी लीवर हो और आपके फ्रिकल्स हो रहे हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम। आप ले सकती हैं लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। यह दवा आपके फ्रिकल्स को ख़त्म करेगी, आपके लीवर स्पॉट्स को ख़त्म करेगी और लीवर की फंक्शनिंग और पेट में जो गैस की गुड़गुड़ाहट अगर आपके हो रही होगी उसको भी ख़त्म करेगी। इसका जो साथियों एग्रवेशन टाइम है लाइकोपोडियम का, वो है शाम को 4 बजे के बाद। फ्रिकल्स तो नहीं, फ्रिकल्स तो एक बार आ गई तो आपकी स्किन पर रहेगी, लेकिन अगर आपकी तकलीफ़ें नॉर्मली डाइजेस्टिव ट्रबल्स वगैरह शाम को 4 बजे के करीब बढ़ते हों, तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम आपकी फ्रिकल्स के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि आपको फ्रिकल्स की शिकायत हो और आपकी स्किन बहुत ड्राई हो। तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और आपको फ्रिकल्स हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की, आपके ड्राइनेस को ख़त्म करने की, आपके फ्रिकल्स को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में सल्फ़र। आप सल्फ़र व नीम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपके स्किन को डिटॉक्स करेगी, उसके ड्राइनेस को ख़त्म करेगी, फ्रिकल्स को ख़त्म करेगी और आपको लाभ देगी। सल्फ़र का पेशेंट साथियों, उसको नॉर्मली मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है, नहाना उसे पसंद नहीं होता, थोड़ा सा उसका डर्टी लुक होता है, तो यह दवा इंसान को ही बदल देगी, इतनी अच्छी दवा है। आप सल्फ़र वीकली डोज लेकर अपने फ्रिकल्स को दूर कर सकते हैं। एक स्थिति आती है जो कम उम्र की महिलाएं होती हैं, मतलब जो 20-30s की एज में होती हैं, उनके फ्रिकल्स हो गए। तो अगर यंग वूमन में, यंग सदस्यों में परिवार के यह फ्रिकल्स हो रही हैं, तो उस स्थिति में फ्रिकल्स को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। आप पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकती हैं जब आपको प्यास कम लगती हो, आपको कोई सांत्वना देने पे आपको सुकून आता हो, बंद कमरे में आपको रहना ना पसंद हो और आप खुले वातावरण में और लोगों के बीच रहना चाहती हो, और आप मृदभाषी हो, मतलब आप अच्छी बात लोगों से एक सामान्य रूप से एक शिष्टाचार के साथ बात करते हो, अगर यह सिम्टम सब आप अपने में पाते हैं और आपके फ्रिकल्स हैं, स्पॉट्स हैं ब्राउन कलर के, तो दवा ठीक करने की है पल्सेटिला नाइग्रा। आप यह दवा लेके अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। एक स्थिति आ सकती है किसी के सामने कि आपके चेहरे पे पिंपल्स हो और आपको फ्रिकल्स हो रहे हों। तो अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं और आपको फ्रिकल्स हो रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए बहुत कारगर दवा है ठीक करने की होम्योपैथी में नैट्रम कार्बोनिकम। आप नैट्रम कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके फ्रिकल्स को भी दूर करेगी, आपके पिंपल्स को भी ख़त्म करेगी और आपके चेहरे को और देखने योग्य बनाएगी। एक स्थिति किन्हीं महिलाओं के साथ आ सकती है कि आपके चेहरे पे फ्रिकल्स हों, आपके आंखों में काले घेरे हों, डार्क सर्किल अराउंड आइज हों, आपकी स्किन बहुत डल हो। तो अगर यह सिम्टम आप में हैं कि आपकी स्किन डल है, आपके डार्क सर्किल अराउंड आइज है, आपकी स्किन में चमक नहीं है और आपके फ्रिकल्स हैं, तो उस स्थिति में आपके फ्रिकल्स को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। आप थूजा
200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। यह आपकी स्किन में भी चमक लाएगी दवा का सेवन और आपके फ्रिकल्स को भी दूर करके आपको बेहतर बनाएगी। एक साथियों स्थिति आती है कि आपके नोज़ के किसी महिला के नोज़ के अराउंड फ्रिकल्स आ जाते हैं, इतने हिस्से में एक बटरफ्लाई लाइक पैच आ जाता है, उसमें फ्रिकल्स होते हैं। तो अगर इस तरह की आप में स्थिति है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है सीपिया। आप सीपिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में ले सकती हैं जब आपके एक सैडल लाइक यहाँ पे ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं, आपको वीपिंग डिस्पोजिशन है यानी थोड़ी थोड़ी बात पे आपको रोना आ जाता है और आपका शरीर इकहरा है, इकहरा मीन्स दुबला पतला है। तो अगर यह सिम्टम्स आप में हैं और आपके फ्रिकल्स हैं तो सीपिया बहुत अच्छी दवा है या एक संभावित दवा है जो आपके फ्रिकल्स को दूर कर सकती है उन परिस्थितियों में जो सिम्टम आपको भी हमने बताए। ये कुछ दवाएं थी साथियों आपके चेहरे से फ्रिकल्स के निशान मिटाने के लिए, दाग मिटाने के लिए बहुत कारगर दवाएं हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि यह दवाएं आपकी सूचना के लिए हैं, ज़रूरी नहीं यही दवाएं हों, दवाएं इसके अलावा भी बहुत आती हैं लेकिन ये अच्छी दवाएं हैं। आप किसी कुशल चिकित्सक से कंसल्ट करके इनमें से प्रिस्क्राइब करा के दवाएं ले सकते हैं। मन में आपके क्वेरी हो साथियों तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे पाएं। निवेदन करेंगे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका इतनी देर हम पर आशीर्वाद बनाए रखने के लिए और साथ में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।